नमस्कार दोस्तों, अंजू दुआ जेमिनी आपकी दोस्त आज हाजिर है आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। मेरी कहानी का शीर्षक है भरोसेमंद। रोज की तरह उस दिन भी ट्रेन में काफी भीड़ थी। गर्मी के दिन थे, लोग पसीने से तर बतर हो रहे थे। गीता की 2 वर्षीय पुत्री रोती जा रही थी। उसने बच्ची को चुप कराने का प्रयास किया लेकिन वह चुप ही नहीं हो रही थी। इस पर साथ बैठे सज्जन ने कहा, बहन जी बच्ची क्यों रो रही है? भाई साहब शायद इसे भूख लगी है और बोतल में दूध खत्म हो गया है। अरे बहन जी मुझे दे दीजिए दूध की बोतल, अभी गाड़ी प्लेटफार्म पर रुकने वाली है और ये तब तक रुकी रहेगी जब तक कि दूसरी ट्रेन क्रॉस नहीं हो जाती। मैं ले आऊंगा। गीता ने उस सज्जन को देखा, उसे वह विश्वसनीय लगे और उसने उन्हें 10 रुपए थमा दिए और दूध की बोतल थमा दी। ट्रेन रुकी, वे सज्जन बोतल लेकर चले गए। चंद मिनटों बाद एक ट्रेन आई और उसने उस ट्रेन को क्रॉस किया। इसका मतलब अब ये ट्रेन जल्दी ही चलने वाली थी। गीता की नजरें खिड़की पर चिपकी हुई थी, उस सज्जन को ढूंढ रही थी। साथ बैठे व्यक्ति ने कहा, बहन जी अब नहीं आएगा वो? तो गीता ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो दूसरे ने कहा, आपका जानकार था क्या? उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं था, वो तो साथ ही बैठे थे, उन्होंने कहा और मैंने पैसे दे दिए। तो एक और सज्जन बोले, अरे अब कहाँ आएगा, उसके टिकट के पैसे बन गए। बहन जी आप तो ऐसे ही हर किसी पर विश्वास कर लेती हैं। गीता का मुंह उतर गया, उसकी बच्ची का रोना जारी था। ट्रेन चलने वाली थी क्योंकि सीटी बच चुकी थी और जरा सी ट्रेन हिली, इतने में जोर से और उसने देखा कि एक सज्जन ट्रेन के अंदर कूदे। ये वही सज्जन थे जो उसके दूध की बोतल ले गए थे। उन्होंने गीता को थमाई, दूध की बोतल थमाई और 2 रुपए थमाए कि बहन जी आसपास कहीं पर भी दूध नहीं मिला, लेकिन क्योंकि बच्ची रो रही थी इसलिए मैं थोड़ी और दूर जाकर एक छोटे से दुकान से लेकर आया हूं। गीता ने उसे धन्यवाद कहा। भरोसा अभी भी टूटा नहीं है, भरोसा अभी भी टूटा नहीं है, भरोसा अभी भी टूटा नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।